Assalamu alaikum student, chapter 7, 9th class ka pehla topic hai hamara kinetic molecular model of matter. So pehle jo iske naam hai usko thoda sa hum discuss kar lete hain. For example matter hai, aapko pata hai har wo cheez jisme jagah giri hui hai yahan par to wo matter hai. और मैटर को अगर आगे देखें तो एटम जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो एटम है. दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स. तो ये मॉलिक्यूलर मॉडल जो हम पेश कर रहे हैं, आज जो हम पढ़ रहे हैं, एटम्स अपन मुसलसल वाइब्रेटरी मोशन में होते हैं, मुसलसल वाइब्रेटरी मोशन में. अगर एटम मुसलसल वाइब्रेटरी मोशन में है तो इससे बनने वाले मॉलिक्यूल्स वो भी मुसलसल किस में होंगे? मोशन में होंगे. और काइनेटिक का मतलब ये है कि हर वो चीज जो चल रही है उसमें काइनेटिक मोशन है. तो लिहाजा काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर जो आपके इधर बुक पेज 145 पर उन्होंने पेश किया है, उसका पहला पॉइंट ये है, मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है और उसे हम क्या कहते हैं? मैटर, मॉलिक्यूल्स. मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. और मॉलिक्यूल्स हमेशा किस में रहते हैं? मोशन में. हमेशा किस में रहते हैं? मोशन में. ये वाइब्रेटरी मोशन होती है. कौन सी मोशन होती है? वाइब्रेटरी मोशन. इसी तरह इसका थर्ड पॉइंट है, मॉलिक्यूल्स हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. मॉलिक्यूल्स हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. इनके दरमियान एक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होती है. जैसे एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है, तो इंटर का मतलब क्या होगा? दरमियान. तो दो मॉलिक्यूल के दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स है जिसके तहत हम आगे डिस्कस करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस. आज हम सॉलिड को डिस्कस करेंगे. तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर के अंदर सबसे पहले हमें तो ये पता चला कि जो मैटर है ये स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है. उस स्मॉल पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स कैसे मिलकर बनते हैं? दो या दो से ज्यादा एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. और एटम्स वाइब्रेटरी मोशन करते हैं और मुसलसल करते हैं. इसी तरह मॉलिक्यूल भी मुसलसल वाइब्रेटरी मोशन में होंगे. और इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स रखते हैं. तो ये इसके हमने तीन पॉइंट याद करने हैं, जिसका पहला पॉइंट मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, नंबर टू द मॉलिक्यूल्स रिमेंस इन कंटिन्यूस मोशन, इसी तरह थर्ड पॉइंट मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर. अब बात आती है आगे, मैटर जो है ये सॉलिड के अंदर हमें नजर आता है, लिक्विड के अंदर नजर आता है, गैस के अंदर हमें मिलता है, और इसकी नेक्स्ट स्टेज जो है वो गैस के पास प्लाज्मा है. कौन सी है? प्लाज्मा. तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं सॉलिड. फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक ब्लॉक है, सॉलिड ब्लॉक समझ लें इसे. इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है ना वो आपस में बिल्कुल पैक हुए होते हैं, बिल्कुल पैक, बहुत करीब. ये जो है ये अपने ही रिस्पेक्टिव ऑर्बिट अपने ही इधर उधर वाइब्रेटरी मोशन कर रहे हैं, मुसलसल हो रही है और बिल्कुल क्लोज होंगे. और इनकी एक डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है इनका, डेफिनेट शेप है. फॉर एग्जांपल उसने एग्जांपल दिया है, स्टोन है, मेटल स्पून है, पेंसिल है, फिक्स शेप. इनकी शेप चेंज नहीं हो सकती. और इनके मॉलिक्यूल्स आपस में बिल्कुल करीब करीब रहते हैं और इनमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती है. तो ये सॉलिड्स के अंदर आप इसके पॉइंट भी बना सकते हैं.
या डिफाइन सॉलिड आ जाए, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड आ जाए, या आपका शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी है। तो इसमें जो उसने एग्जांपल दिया है वो ये है, सॉलिड सच एज स्टोन, मेटल्स, पेंसिल है फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, देयर मॉलिक्यूल्स क्लोज टुगेदर, जैसा कि मैंने फिगर में बताया, और इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स भी ज्यादा है, और ये अपनी ही जगह पर वाइब्रेटरी मोशन करते रहते हैं और मुसलसल करते हैं। तो स्टूडेंट आपने ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल मैटर के तीन पॉइंट पेज 145 और सॉलिड विद डायग्राम साइड पर बनी हुई है, ये आपने प्रिपेयर करना है। ये आज का आपका लेक्चर है। थैंक यू।